हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण कनेक्शन में आपका स्वागत। आज मैं ठाकुरगंज के भाडाला जो पार्क बना हुआ है वहाँ पर आए हैं, और ये भाडाला जो पोखर कह सकते हैं पार्क जो बना हुआ, काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ और शहर के ठाकुरगंज शहर के बीचों बीच है, तो ज़रूर आए। और काफ़ी आकर्षक पार्क जो कि काफ़ी नेचुरल, काफ़ी यहाँ औषधीय प्लांट है, प्लस तरह तरह का नेचुरल प्लांट्स भी लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बीच में पोखर भी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ ठाकुरगंज भाडाला पार्क में अवेलेबल है। तो आप प्रवीण कनेक्शन से जुड़े रहें और देख। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये पार्क का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये सुंदर सा पार्क, काफ़ी अच्छा शाम का समय, और देख सकते हैं बगल में मंदिर भी। और ये औषधीय वाटिका, लगभग 41 टोटल 41 टाइप्स का यहाँ पर प्लांट्स लगाया गया, मेडिसिन प्लांट, काफ़ी अच्छा सा ज्ञानवर्धक यहाँ पर। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ है। मोलश्री का प्लांट है, स्पेनिश हर्रा, बहेड़ा, और ये आंवला का प्लांट, सैंडलवुड, चंदन, रक्त चंदन, ब्रह्मा कमल, खैर, ये गिलोय है, हरजोड़ है, पत्थर छट्टा, वज, नींबू, लेमन ग्रास, ये करंज, ताल मखाना, नीम, चाहिए, अशोकारिष्ट, गाव, सर्पगंधा, और ये कॉफी का है प्लांट है, मुस्तक, नटग्रास। और देखिए क्या किस बीमारी में क्या चीज है, मौसरी, कपूर, सारा हिंदी में पौधे का नाम और उसके बेनिफिट्स, किस किस रोगों में इसका इलाज क्या क्या होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर गिर चुका है टूटकर, तो मैं उसका भी आपको विजुअल देना चाहता हूँ ताकि आप इसे देख के बेनिफिट उठाएं। और ये पार्क के चारों तरफ से मैं विजुअल्स कलेक्ट कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी नेचुरल पार्क है, बीच में पॉन्ड और अच्छा से बनाया हुआ, बच्चे भी पार्क में खेल रहे हैं। बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षक झूला लगाया गया है, काफ़ी अच्छा, बच्चों लोग आनंद ले रहे हैं। झूला है तरह तरह का, विभिन्न बच्चों के लिए खेल। बहुत सुंदर सा दृश्य,
काफी अच्छा सिस्टमेटिक। ठाकुरगंज शहर के बीचों बीच भाटडाला पार्क, ये ठाकुर जी भाटडाला पार्क में ये भी एक काफ़ी आकर्षक है। आशा करते हैं आप लोग जानते होंगे, इसे वर्टिकल फार्मिंग बोला जाता है, मतलब कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन लगाने वाला तो लगा के चले गया, पैसा लेने वाला लेके चला गया, लेकिन किसी ने ना तो कोई लगता यूज करने जानता, ना तो कोई मेंटेनेंस है। दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कम जगह में ज़्यादा प्लांट लगाने का एक तरीका है, इसे वर्टिकल गार्डनिंग या वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर उसका यूज केस भी है, लेकिन बिना मेंटेनेंस के कोई भी इसका यूज नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं कितना कम जगह में कितना प्लांट है। यहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि ये एक लेक के गमला है, इसमें छोटा सा कम जगह में इसे लगा देते हैं, हर जगह इतना सा स्पेस में हजारों की संख्या में प्लांट लगाया जा सकता है। जनरली जो वर्टिकल गार्डनिंग का यूज होता है, लैटियस जिसे हम लोग साग बोलते हैं या स्पेनिश, सभी चीज़ का लगा सकते हैं। कृपया करके जो भी इसकी देख रेख करते हैं, कृपया इसे ग्रीन बनावे, और बहुत ही अच्छा वर्टिकल गार्डनिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि विदेशों में देखा जाता है, लेकिन ठाकुरगंज की धरती पर भी अवेलेबल है। कृपया इसे पुनर्जीवित करें। आशा है आप वीडियो देखकर कुछ देख पा रहे होंगे, वीडियो में कुछ विजुअल्स, और ये भी अच्छा, काफ़ी अच्छा सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ मॉडल बनाया गया है, जेब्रा, डियर, काफ़ी अच्छा प्रोटोटाइप है इस पार्क का। अच्छा है, आपको विजुअल्स अच्छा लगेगा, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ये पार्क, सुंदर सा, बहुत ही अच्छा वातावरण। जिराफ देखिए, काफ़ी अच्छा मॉडल बनाया हुआ, और ये नीट हाउस है, लेकिन ये जर्जर स्थिति में है, किसी ने इसका यूज नहीं कर रहा है, और लेकिन एक नर्सरी है, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ। और ये टायर का यूज करके काफ़ी अच्छा सा पार्क भी, एक वेस्ट मटेरियल का यूज करके पार्क को कैसे सजा सकते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया। दोस्तों बहुत चीज़ है इस पार्क में आकर देखने का, आप भी आएँ खाली टाइम में,
शाम का टाइम है, घूमे दौड़े योगासन करें, स्वस्थ रहें। और काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है पार्क, पार्क में चारों तरफ हरियाली का ख्याल रखा गया है। बीच में काफ़ी अच्छा लुक, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बना हुआ। सार्वजनिक शौचालय का टॉयलेट का भी, टॉयलेट रूम भी अवेलेबल है। काफी अच्छा बना हुआ चारों तरफ से, सुंदर सा दृश्य। बोट भी अवेलेबल, बट आई थिंक बोट वर्क नहीं कर रहा। ये सुंदर सा बना हुआ पार्क के बगल में मंदिर भी है, बहुत ही अच्छा जगह, ठाकुरगंज के बीचों बीच ये पार्क। काफी अच्छा बना हुआ, बिहार गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, जब भी भाटाला पोखर पार्क जब भी आए तो फॉलो करें। काफी अच्छा पार्क, सुंदर सा वातावरण इवनिंग टाइम। जरूर है जहाँ भी हो, किसान निवासियों के लिए एक देखने का जगह है।